हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फार्मेसी चैनल। मैं फार्मेसी सभी आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी ओमिक्रोन के सिम्टम्स के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको गलती से ओमिक्रोन हो भी जाता है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और किस तरह से आप घर पर ही रह के जल्द से जल्द ठीक भी हो सकते हैं। वैसे तो ओमिक्रोन के काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ हल्के सिम्टम्स भी हैं और कुछ सीरियस सिम्टम्स भी हैं। हल्के सिम्टम्स में बात करें तो जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश होना, डायरिया होना। लेकिन इसके अलावा कुछ सीरियस सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि रात को लगातार पसीना आना, आँखों में दर्द रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में लगातार दर्द रहना। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर ये हल्के और सीरियस दोनों ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको अपना तुरंत कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ओमिक्रोन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह डेल्टा की कंपैरिजन में काफ़ी हल्का माना जा रहा है। इससे इन्फेक्टेड लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इसके कम लक्षण होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसको नज़रअंदाज करें। ओमिक्रोन डेल्टा की कंपैरिजन में 7 गुना तेज़ी से फैलता है और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये कोरोना का ही एक टाइप है। और आप सभी को पता है कि कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जिन लोगों को पहले से ही कोई हार्ट, लीवर, किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, इसके अलावा या अगर उनको अस्थमा है या हाल ही में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या करें। सबसे पहले तो जिस दिन से आपको ये सभी सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं उसी दिन से आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर दें। सबसे दूरी बनाकर रखें, कहीं भी बाहर ना जाएं, लगातार अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखें, अपने घर में अपने सभी फैमिली मेम्बर से दूर रहें, खासकर बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से। दूसरा, आप जो भी मास्क यूज़ करते हैं उसको डेली वॉश करें और अपने हाथों को भी टाइम टू टाइम वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। आप अपने आप को कम से कम 10 दिन तक घर में आइसोलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लगातार यही सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, बुखार या कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लगातार बने रहते हैं, तो अपने आइसोलेशन का टाइम पीरियड आप बढ़ा भी सकते हैं। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जिन लोगों को माइनर से सिम्टम्स रहते हैं, उन लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर ही सिम्टम्स कम होने लगते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को बुखार तेज़ होता है या जिनको ये जो सिम्टम्स हैं कम की जगह बढ़ते हुए नज़र आते हैं, जिनके सीने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्किन पर रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, उनके लिप्स और जो नेल्स हैं उनका कलर चेंज होने लग जाता है, तो उस केस में उन लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर जिन लोगों को ये सिम्टम्स हल्के ही दिखाई देते हैं, जैसे थोड़ा बुखार होता है, 100 या 101 बुखार होता है, तो उस केस में वो पैरासीटामोल 650 mg ले सकते हैं। अगर जुकाम है तो वो सिट्राजिन 10 mg और लिवोसिट्राजिन 5 mg ले सकते हैं। अगर खांसी है तो वो लोग कोई भी कफ सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर डाइट। डेली प्रॉपर डाइट लें, डेली ताज़ा और गर्म खाना खाएं, कोई भी बासा खाना ना खाएं, डेली फल और सब्जियां खाएं और नट्स खाएं, जिनसे आपको विटामिन सी, विटामिन बी, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में मिल सके। इसके अलावा बहुत सारा पानी पिएं, अपने बॉडी में फ्लूइड की कमी बिल्कुल ना होने दें। अच्छे से नींद लें, अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और आप जल्दी ही रिकवर कर पाएंगे। कोई भी ऐसा स्ट्रेस ना लें जिससे आपको सिर दर्द या आपके बदन में दर्द या कोई भी ऐसी बॉडी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करें जो आपको पसंद हो और आप स्ट्रेस से दूर रह सकें। इसके अलावा आप काढ़ा पी सकते हैं, एक बार में 30 ml काढ़ा या 40 ml आप ले सकते हैं, सुबह के उठने के एक घंटे बाद और शाम को दिन में 2 बार आप काढ़ा पी सकते हैं। काढ़ा हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, थोड़ी थोड़ी आसान सी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा थोड़ा टहलिए,
ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ओमिक्रोन से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा टहलते हैं, अगर आप ये सभी बातें फॉलो करते हैं तो आप घर पर ही रहकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जल्द ही ठीक हो सकते हैं। वैसे जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों में ये लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने वैक्सीन लगवाइए और अपना पूरा ध्यान रखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।